कोरोना काल में इंदौर को शर्मसार कर देने वाली एक वारदात का खुलासा हुआ है। यहाँ एक अकेली युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि गैंगरेप के दो आरोपी अभी नाबालिग हैं। घटना लसूड़िया थाना इलाके की है, जहाँ गुरुवार रात तीन बदमाश अकेली युवती के घर में चोरी की नियत से घुसे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जाना कि लड़की अकेली है तो तीनों ने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इतने ही गैंगरेप के बाद आरोपियों ने युवती के घर से 50,000 रुपए की लूट भी की। पुलिस ने इस मामले में दो नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी फरार हो गया था, जिस पर पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, जिसे पुलिस की मुस्तैदी से गिरफ्तार कर लिया गया। उस आरोपी को भी अभी हिरासत में ले लिया गया है। देवास से उसको पकड़ा था और सतत रूप से हमारी टीम उसके पीछे लगी हुई थी कल से ही, और आज उसको अभी कुछ समय पहले देवास में उसको हिरासत में ले लिया गया। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या निकला है, अपराधी है या किस तरह? इसका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है और अन्य अपराधों के संबंध में जांच की जाए। इस वारदात का खुलासा सीसीटीवी फुटेज के जरिए किया गया। पुलिस की माने तो आरोपी इससे पहले भी कई चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आपको बता दें कि पीड़ित युवती कुछ दिन पहले ही कोरोना को मात देकर घर पहुंची और इस बीच उसके साथ ऐसी अनहोनी हो गई। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।